गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे जी। बहुत दिनों के बाद आज जो है मैं व्लॉग लेकर आई हूँ और इसमें बहुत सारी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ड्रायर का रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ, ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, आपने देख लिया होगा। और इसके साथ साथ जो मेरी आज की रूटीन है वो मैं आपका शेयर करूँगी, तो कीप वॉचिंग, स्टे विद मी। यहाँ पे जो है वो बारिश जो है ना हमारी कल से आ रही थी और अभी जो है ना बहुत फ्रेश फ्रेश सी बड़ी प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग आई है। और ये प्लांट्स भी देख रहे हैं माशाल्लाह खुले हुए हैं सेन में। मैंने उठते साथ सबसे पहले वाइपर लगा के इसको साफ़ कर दिया ताकि इसको मतलब मज़ीद गंदा नहीं हो, ठीक है ना। और अब जो है वो मैं किचन में जाऊँगी। आज जो मूड है मेरा, काफ़ी दिनों के बाद पराठे का हम लोग का दिल था तो बस पराठे और ऑमलेट में बनाने लगी हूँ, तो बस जल्दी से बना लें। Will you eat egg? Are you happy? Where is your egg? You have dirty face. Look in the mirror, Musa. Look in the mirror. Your face is dirty. What happened? Oh. मेरा नाश्ता हो गया तैयार, ये हो गया पराठा और ये हो गया है जी मेरे अंडे और पराठे। चाय मैं पूरी तैयार करूँगी और मुझे चाहिए अचार। अचार की तरह ये देख रहे हैं आप, मैंने कितना अच्छा इसको सेट किया है ना, तो उसकी वजह से खुद को भी अच्छा लग रहा है टैगिंग के साथ। और मेरा दोस्त है, मैं प्रिंट्स निकलवाऊँ इनके कंप्यूटर से और फिर उसको मैं अटैच करूँगी ये भी काम। ये देखें आप, ड्रायर के रिव्यू के बाद मैं आपको बॉयज को दिखाऊंगी। दिखाया अपने बाल, ड्रायर करने से ये होता है कि आपके बाल जो है ना ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ख़राब नहीं होते, ऐसे हो जाते हैं। अब मैंने उनके बाल ख़राब कर दिए। नाश्ता कर रहे हैं अब, ये देखें बाल इन्होंने लंबे किए हैं और मैंने कह रही हूँ बाल जो है ना वो ये पीछे कॉपी राइट आ जाएगा गाने की वजह से। मैंने कह रही हूँ कटिंग करवाने, तो कहते हैं मैंने नहीं करवाने। और अभी बाइक पे बैठने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको इनके बाल, ये सिर्फ लड़कों की शोशा इतनी होती है। मूसा यहाँ से यूँ लॉक है, इसको मैं यूँ खोलूँगी और इसके अंदर से जो है ना मैं वो निकालूंगी, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी पैकिंग में, तो इसका आगे वाला हेड है ये, ठीक है। और इस तरह से हेलो, और ये हदी हाथ भी आपको हेलो कर रहे हैं। तो आप ना लाइक कमेंट शेयर बेटा, ये आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब्स पे फिर हम बात करते हैं। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना माशाल्लाह से वो नहीं करते, और मेरे जो दूसरे जो कमेंट्स मैं जो लोग वैसे मुझे दूसरे देखते हैं माशाल्लाह वो करते हैं मुझे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस कम अगर मैं कहती हूँ रिश्तेदार ही आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ना, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर्स आराम से हो जाएंगे। लेकिन आपको सपोर्ट कभी कहीं से नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ साथ देने वाले हैं, तो आपने नहीं करना। तो आप लोग अपना जो इस तरह से लोग करते हैं, मेरे हैं माशाल्लाह, मेरी जो नंद है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पे, मेरी जिठानी जो है बाहर वाली माशाल्लाह से वो भी, तो मैं थैंक यू बोलूँगी। मैं अपने रिश्तेदारों के इसलिए नाम ले रही हूँ कि मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव हैं और मुझे इनसे सपोर्ट मिल रही है, घर से अगर मुझे मिल रही है तो मुझे बाहर वालों का इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखने में स्टोरीज भी सबसे आगे आप लोग होते हैं, लेकिन कमेंट्स करना आप जरूरी नहीं समझते, ना लाइक और ना शेयर, ना शेयर करना, लेकिन स्टोरीज भी देखने में सबसे पहले मेरे मतलब आप सब रिश्तेदार ही होते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह सपोर्ट करें दूसरे को तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप दूसरों को तो बड़ा डिस्कस कर रहे होते हैं आप, लेकिन रिश्तेदारों में आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन अगर घर से मिल रही है तो माशाल्लाह आप तभी आप चला भी सकते हैं इन चीज़ों को, चाहे थोड़े फॉलोवर हैं। अभी आपने नया चैनल मैंने बनाया तो मेरे इतने लोग नहीं हैं, ज़्यादा लोग करें, लेकिन माशाल्लाह से शोर एकदम बहुत ज़्यादा हो। हाय
हाँ जी, तो फिर मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि मैं आपको आज रिव्यू दूंगी रेमिंगटन हेयर ड्रायर का, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने लिया है न्यू, इसको जो थोड़ी सी आवाज़ें पीछे बैकग्राउंड में आ रही है, सॉरी उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का मूड नहीं था। मैंने कहा था एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आपको दिखाते हुए इसको। तो इसमें यह है कि ये हेयर ड्रायर जो है ना रेमिंगटन का, जो लोग नए देने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताऊँगी और इसको आपके सामने ओपन भी करूँगी। तो सबसे पहले जो है, लेकिन माशाल्लाह घर से अगर मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, मेरी जो इन लॉज वाले हैं उनकी सपोर्ट है ना, तो मुझे फिर किसी बाहर वाले की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना मैंने कार्डपुर से खरीदा, इसको लाहौर से मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, और इस तरह से इसकी पैकिंग आपको मिलेगी। जिसने लेना है उसको जरूर सुन लें, आपके लिए अफेक्टिव है, ठीक है। और ये इस तरह से यूँ है, और आपने इसका जो स्मॉल वाला है इसका हेड जो होता है जिससे ड्राई करते हैं ये लगाना ज़रूर है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो इससे आपके बाल जो है ना डैमेज होते हैं, तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यूँ आपने इसको राउंड करके इसको फिक्स कर लेना। मेरा पहले वाला जो था वो मेरा 6 साल चला है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत चला है। तो 6 साल के बाद जो है वो ख़राब हो गया, तो मैंने फिर उसको जो है ना वो ख़राब भी ऐसे हो गया, उसका अंदर से ना सिस्टम सारा एक्सपायर हो गया, फिर मैंने ये परचेज़ किया। अच्छा, इसके और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी बाद में उसमें क्या है। इसके ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं बटन लगे हुए, ठीक है। फोकस करेंगी कैमरा, ये नज़र आ रहा है ना आपको ये, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऑफ है, फिर आपने यहाँ से इसको ऊपर करके ऑन करना है, और ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है। हॉट है, और ये फिर ठंडा है, और फिर ये नॉर्मल है। इस तरह इसके 3 टेम्परेचर आते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये ऊपर ये छोटा सा बटन लगा होता है, इसका मकसद ये होता है कि हवा ठंडी करने के लिए। अगर आपने हॉट पर रख कर चलाया है ना इसको यहाँ पर, तो अगर इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो हवा ठंडी होती जाएगी, बच्चों के लिए खासकर सही रहता है। तो ये इस तरह से सिंपल, को इतना उसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना इसको चलाना मुश्किल है। इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए इसका वारंटी कार्ड है, इसको फिर आप पढ़ लेना जो भी इसके ऊपर डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। और ये पीछे से इस तरह से होता है, ये इसको साफ़ कर लिया करें कुछ अरसे के बाद, इसके अंदर ना ये उतर भी जाता है। तो वैसे ब्रश के साथ इसको आप साफ़ कर लीजिए, इधर से ये जाली लगी हुई है इसके, ठीक है। ये इसकी शक्ल है आगे से ही। तो ये इस तरह, और इसकी प्राइस जो थी आई थिंक वो दिखने की भी थी, अब हमें ये मिला है इस प्राइस में। ये देखिए मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ ऑफर में, ठीक है, 72 समथिंग। और इस तरह से ये इसकी पैकिंग है, और पुराने वाला दिखा उसमें क्या डिफरेंस था, ये आदि पुराने वाला दिखाना मुझे ज़रा, ये पड़ा हुआ। खाने में और इसमें थोड़ा सा बस ये कि बटन्स का डिफरेंस है, ये देख सकते हैं आप। इसके बटन जो है ना ये यूँ है ना, ठीक है, और इसके बटन यूँ हैं, नज़र आ रहा है डिफरेंस आप लोगों को। ये फोकस करें कैमरा, फोकस फोकस फोकस, ये इस पर थोड़े से निशान भी नहीं है बने हुए इधर, और इसके ऊपर निशान भी है ना, ये फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। बाकी सेम जैसे ये मेरा ख़राब हो चुका है, इसका फ़ैन टूट गया, रेमिंगटन लिखा हुआ था वो भी मिट गया, इसके ऊपर से इस पर लिखा हुआ सेम एक ही चीज़ है। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा, ये 6 साल पुराना है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा चला है 6 साल में। अब जाके इसका पंखा टूट गया अंदर वाला, और फिर ये हमने इसको न्यू लिया है लाहौर से, हमने खरीदा कार्डपुर से। तो ये था जी मेरा आज का रिव्यू, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। और प्लीज़ हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे, एक इंडियन है हमारे साथ, तो नहीं हम कह सकते, मेरी जो महंगाई वाली वीडियो है ना वो काफ़ी वायरल हुई है इंडिया में, तो एक जी गौरव राजपूत स्पेशल आपके लिए भी काम है हाजरा इसको मैं जी। तो गौरव राजपूत स्पेशल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर महंगाई के ऊपर हमने वीडियो बनाई है तो सिर्फ पेट्रोल की महंगाई थी, और दूसरी चिकन की महंगाई, और कोई चीज़ महंगी नहीं पाकिस्तान में माशाल्लाह से। हमारे पाकिस्तान में सब्जियां भी सस्ती हैं, फ्रूट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, और बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं, ठीक है। आप हमें ये मैसेज कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आप हमें ये कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ बात नहीं करें, CEO जो यूट्यूब के वो इंडिया है, तो CEO साहिब इंडिया के, हमने आपके खिलाफ कोई बात की है? और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी नहीं लग रही, आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर कमेंट्स में इसका जवाब दिया आपने। हमारे मुल्क में माशाल्लाह से अगर कोई एक दो चीज़ें महंगी है ना तो कोई बात नहीं, हमारे मुल्क में सब इक्वल हैं। आपकी कंट्री में मुसलमानों के साथ क्या होता है हमें अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, मैं बताऊंगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर कोई इंडियन है या कोई क्रिश्चियन है, सबको बैलेंस में रखा हुआ, ठीक है, ऐसे ही है ना, किसी को ये तो नहीं कहते ओए ओए तू ये है तो वो तो तू ये है, तो ये फ़र्क है, समझ आइए, छोटी सी बात है, आप भी समझा दें अगर कोई समझ आती है तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। इंडिया के हमारे पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, स्पेशली इंडियन फैंस के लिए, इंडियन फॉलोवर्स, इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल लेकिन देखते हैं वीडियो, चैनल ने सब्सक्राइब किया हुआ, ठीक है ना। क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग कर दो।
और गौरव राजपूत साहिब मेरी माशाल्लाह इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, मैं जब दुबई में रहकर आई थी मेरी अभी तक इन टच है मेरे साथ, वो दो मेरी इंडियन फ्रेंड है, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन दो ऐसी हैं जो मेरे इन टच हैं और माशाल्लाह बहुत नाइस है, उनसे मुझे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत है। और आप अगर मेरी वीडियोस गौरव आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको आप अच्छे वे में जवाब दें, आप मुझे ये मत कह के डराएं कि यूट्यूब के CEO साहिब जो इंडियन है तो आप कोई बात नहीं कर रहे इंडिया के खिलाफ, ये मैं कब इंडिया के खिलाफ बात कर रही हूँ या हम कब, हम तो अपने पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन करें कि एक दो चीज़ें महंगी हैं बाकी तो सब चीज़ें सस्ती हैं। और माशाल्लाह हमारे मुल्क में इक्वल है सब, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन कोई भी है सब इक्वल है। आइए समझ आपको बात, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। यहाँ पे जो ना मेरा थोड़ा सा रोज़ों के लिए मैंने दो चार चीज़ें ली हैं, हर घर में ही रमज़ान में आपको पता है ज़रूरत होती है चीज़ों की थोड़ी बहुत, और ग्रॉसरी जो है ना वो किया तो अब उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो बस ये काम पड़ा हुआ है, देखते हैं अभी काम वाली भी नहीं अभी तक आई है आज। तो अब जो है ना मैं फ्री होके बैठी हूँ, बहुत काम किए हैं आज, माइन ने कोई भी मेरी हेल्प नहीं की, यहीं पर बैठी रही है पूरा दिन में, शी डोंट इवन हेल्प मी, लुक एट मी, यू कैन सी हर फेस नाउ। और अब जो है ना थोड़ा सा हम चाय पीऊँगी मैं, और ये कबाब घर के बने हुए मेरे पेशावरी चपली कबाब।